नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अब शुरू हो रहा है मुकाबला। ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो क्या अग्निपथ साबित होगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और दूसरी तरफ बंगाल में सरेआम खून खराबा चल रहा है। ममता को बंगाल में वायरस और हिंसा दोनों को कंट्रोल में करना होगा, लेकिन इससे कई सवालों के जवाब भी उन्हें देने होंगे, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई है उसका जिक्र राजभवन तक में हुआ। बीजेपी समेत कई पार्टियां हिंसा के लिए सीधे टीएमसी को गुनहगार बता रही हैं, तो टीएमसी भी अपने कार्यकर्ताओं की मौत के आंकड़े गिना रही है। ऐसे में क्या यह हिंसा सुनियोजित है, प्रायोजित है या फिर ऑटोमेटिक है? अब ममता बनर्जी बंगाल को संभालेंगी या बिगाड़ेंगी? हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से संबित पात्रा, टीएमसी से मानव जायसवाल, लेफ्ट फ्रंट से मोहम्मद अली शाह और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ डेटा आपको दिखाते हैं, क्योंकि डेटा जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार बंगाल में चल क्या रहा है और ये जो मुकाबले की हम बात कर रहे हैं वो मुकाबला आखिरकार जमीन पर किस तरह से लोगों के लहू को बहा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं किसने क्या दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि उनके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, 2 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद से। टीएमसी भी कहती है कि उनके 5 कार्यकर्ता मारे गए हैं, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। ISF यानी कि जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उनका कहना है कि उनके 1 कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। CPM के लोगों का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला हो रहा है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके दुकानों को लूटा जा रहा है। कांग्रेस का भी कुछ इसी तरह से कहना है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन पे हमला किया जा रहा है, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज शपथ ग्रहण के दौरान किसने क्या कहा। सबसे पहले देखिए कि यहां पर जगदीप धनखड़ जो गवर्नर, उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसे में जो सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सीधे तौर पे ममता बनर्जी को जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन ही राजभवन में गवर्नर ने कहा है कि आप अपना राजधर्म निभाई है, मैं नई सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करेंगी और राज्य के लिए काम करेंगी। ये गवर्नर जब मुख्यमंत्री पहले दिन शपथ ले रही हैं उसी दिन ये बात कहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को अशांति पसंद नहीं है, संयम बनाए और हिंसा ना करें। ये बातें वो लगातार कहती है, मीडिया में तो कहती है लेकिन शायद भूल जाती है जब वो चुनावी रैलियों में जाती है तो क्या कहती है, वो भी आपको बताएंगे। जो लोग हिंसा फैलाने में शामिल है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये ममता बनर्जी का कहना है। क्या वाकई में ऐसा होगा? इससे पहले तो दिखा नहीं है, इस बार क्या हो सकता है? जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं? जिनको रक्षा करनी चाहिए थी वो इस हिंसा के तांडव के लिए जिम्मेवार हैं, यानी कि सीधे ममता पर अटैक है। तो ये सारे दावे हैं और दावों को लेकर हम बात करेंगे हमारे तमाम गेस्ट के साथ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल संबित पात्रा आपसे, क्योंकि संबित आपने ही आरोप लगाया, आपके पार्टी ने आरोप लगाया कि आपके अब तक 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। यहां पर मुकाबला शुरू हो चुका है, एक मुकाबला आप तो आप हार चुके हैं, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है, जो कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, उनके साथ आप लोग क्यों खड़े नहीं है? देखिए अमित जी, पहली बात है जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, चुनाव का मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो महत्वपूर्ण विषय है, मगर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि लोगों के जीवन के साथ इसका मूल्यांकन किया जाए। एक मुकाबला हम हार गए होंगे मगर जीवन बचाना ये सबसे बड़ी मुकाबले की बात है और इसमें कोई नहीं हारना चाहिए, हर किसी का जीवन बचना चाहिए। नंबर दो, आज मैं ममता जी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि बहुत कुछ फेक न्यूज है, ये सब फेक वायलेंस है, वायलेंस हो नहीं रहा है। अभी आपने बताया भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं, टीएमसी बोल रही है हमारे 5 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ISF बता रही है उसका 1 कार्यकर्ता मारा गया है, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट हैं वो भी इसी प्रकार से कुछ आकलन कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है, हिंसा तो हो रही है, ये फेक नहीं है, सभी पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। अगर जीत के 2 दिन के अंदर 10-12 कार्यकर्ता भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के सड़कों के ऊपर मारे जाए, और जिस प्रकार के दृश्य सोशल मीडिया के ऊपर आज पूरा विश्व देख रहा है, हजारों हजार लोगों के घरों के ऊपर आक्रमण, आगजनी, अराजकता, महिलाओं को घसीट करके पीटना, आप बताइए ये सभ्य समाज का विषय है क्या? क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? आपका प्रश्न था कि हम क्यों नहीं खड़े हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। हमारे पार्टी का अध्यक्ष, आप देखिए यहाँ हर्षवर्धन जी मौजूद है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को कवर भी किया है और हमारे पार्टी के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को जानते हैं। हम एक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली को मानती है, अर्थात जो भी व्यक्ति अध्यक्ष होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ही इज द पार्टी।
तो स्वाभाविक रूप से जब खुद जेपी नड्डा जी वहां स्टेशन है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष को भेजा गया है कि देखिए हम लोकतंत्र की रक्षा लोकतांत्रिक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं करना चाहते हैं। हम धरना प्रदर्शन सत्य को प्रतिपादित करके जहां संदेश भेजना चाहिए वहां संदेश भेज के, मगर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, उनके घर जा रहे हैं। कल अभिजीत सरकार की मां किस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही थी और मैं देख रहा था हमारे अध्यक्ष जी किस प्रकार उनके माथे के ऊपर हाथ डालकर उनको सांत्वना दे रहे थे। यही एक लोकतांत्रिक पार्टी का कर्तव्य है और संबित का निर्वहन कर संबित जी, ये ठीक है कि आपके वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 तारीख के बाद खेला होबे जब यहां से पैरामिलिट्री फोर्स चले जाएंगी, उन्होंने जो बोला उन्होंने तो करके वो दिखा दिया, आप सिर्फ हाथ में हाथ धरे देखते रह गए, आपके 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग उसमें अपने खून बहा चुके हैं, क्योंकि जब उनको जरूरत थी आप लोग वहां नहीं थे। अब जाके आप वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, क्या किया आपने? देखिए अमित जी, इसका मैं उत्तर बिल्कुल सटीक रूप से देता। आज मैं ट्विटर में भी देख रहा था, मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं, कई लोगों के मन में रोष है और जो सवाल अमित जी आप पूछ रहे हैं कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आपने क्या किया। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, और मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खुल के बात करूंगा, कुछ भी छुपाना और पर्दा नहीं करना चाहता हूं, आप इजाजत दे तो। देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, जो ऑप्शन लोकतंत्र का नहीं होता है, जो ऑप्शन गली का और जो जंगल का ऑप्शन होता है, द रूल ऑफ द जंगल इज कि एन आई फॉर एन आई, उन्होंने मारा हम भी मारेंगे, उन्होंने एक की हत्या की हम भी हत्या कर देंगे, मगर एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर इस प्रकार से हम चलेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। देखिए प्रेसिडेंट रूल लगाना नहीं लगाना ये निर्णय अकेला कोई व्यक्ति या कोई संगठन नहीं लेती है, इसके पीछे का एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। खुद प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर से बात किया है, खुद MHA ने इसका रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के बाद इसका निर्णय अवश्य लिया जाएगा। कोर्ट में भी हमारी पार्टी इन विषयों को लेकर गई है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तीसरा ऑप्शन है, इन द मीन टाइम हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लोकतांत्रिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरे देश से अपील भी करें, धरना प्रदर्शन भी करें, ममता जी से भी अपील करें और इस पूरे समय हम अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा भी करें। स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है हमारे जो नेता हैं जो ग्राउंड पे हैं बंगाल के, कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को बचाएं, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना हो मानवीयता संवेदनाओं के साथ करें। संबित जी ठीक है, आपने गिना दिया, आपके नेता कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं कह रहे हो कि जाके कार्यकर्ताओं को बचाओ, आपके नेता खुद कह रहे हैं कि हमें कौन बचाएगा, तो उनकी तो ऐसी हालत है आपके पास आएंगे। मानव जी सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, एक बड़ा मुकाबला जीत लिया, लेकिन मानना पड़ेगा जो कमिटमेंट आप लोगों ने किया उसे पूरा करके दिखा दिया। दीदी ने बोला 2 तारीख के बाद खेला होगा और देखिए क्या खेला किया आपने, कि किसी को नहीं बख्शा आपने, सीधा मौत के घाट उतार दिया। सर पहले तो आपका नमस्कार और आपके थ्रू सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है और पूरे देश को मेरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने परिवार वालों को प्रियजनों को खोया है उन सभी को हमारी संवेदनाएं हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ा विषय कोविड है और जहां तक सर बात है, ये जो 3 तरह की चैनल जो देख रहे हैं, जैसे जंगल राज हो या प्रेसिडेंट रूल हो या फिर लोकतंत्र का हो, तो लोकतंत्र का जो हिस्सा था वो बैलेट से प्रूव हो गया। गोली मारो की सरकार जिनकी है उनसे हमें संज्ञान या उनसे हमको ज्ञान नहीं लेना है, प्रवचन नहीं चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, पहले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो काफी निंदनीय था और हमारी नेत्री ने पूरी तरीके से उसका संज्ञान लिया। कल से आज तक मोटा मोटी आप समझिए 48 घंटे से ऊपर होने को आ रहा है, 30-36 घंटे के ऊपर हो गया है, कितने वारदात हुए हैं इनको पता नहीं होगा। अब ये भूताहा तस्वीर ये बना के रखते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बंगाल की छवि को खंडित करें। ये बहुत अच्छी बात है, आप धरना में आ गए, आपने गांधीवाद पकड़ लिया, हम भी खुश हैं, चलिए इसी बहाने आप हमसे समन्वय बनाइए, आप गांधीवाद की तरफ आइए क्योंकि आप तो गोडसे वाले हैं। प्रूफ मैं बताता हूं सर, आज दिल्ली में जहां शायद संबित पात्रा जी भी बैठे होंगे, जहां इनके मैंने धारी वाले बाबा बैठे होंगे, वहां ये धरना नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी है। गुजरात में ये धरना नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला, ये मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश में भी एक बाबा है लेकिन वहां पे भी ये धरना नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनकी डबल इंजन फेल है, वहां ये पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ पे सर हमने कार्य का निर्वाह किया है और हमने पूरा खंडन किया है सर, जितनी भी ये वारदात हुई है सर ये गलत है, निंदनीय है और हर एक को सजा मिलेगी। FIR हो रहे हैं
और सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम 3 महीने से पुलिसिंग इनके पास थी, जिस तरीके से इन्होंने चिरमरा दिया पूरे बंगाल को, जिनको पता नहीं है कि भाई इस इलाके में कौन रहना चाहिए, कौन यहाँ पे गुंडा हो सकता है, कौन मवाली है, कौन एंटी सोशल है, बाहर का है कि अपना इसी मोहल्ले का है, कि किसी को ज्ञान नहीं था। अब वो सब ऑफिसर कुछ कर नहीं रहे, मौनी बाबा बन गए हैं। हमने उसका संज्ञान लिया है सर, इसमें हमको पता चला है जितने भी इनके लोग आएंगे सबको अरेस्ट किया जाएगा। जी जी, सुमित जी, प्रेमत्व का जवाब देने का मौका मिलेगा। कौन तो समय दीजिए, हमारा बंगाल प्रेम चाहता है, हमारा बंगाल शांति चाहता है। इतनी बड़ी मैंडेट अगर हमें मिली है तो इनको बता देना चाहिए कि पब्लिक जो है, जो जनता है, वो जनार्दन है, वो जानती है, उनको सब चीज का संज्ञान है। आपने अपनी बात रख ली, ज्यादा मजबूत सर सुनिए, मानव आपने बात रख ली अपनी, सभी जी से एक एक जवाब तो ले लें। और एक सर मैं बोलना चाहता हूँ, चलिए बोल लीजिए। कोविड को लेकर सर हम पूरा संज्ञान ले रहे हैं, हमारे लिए मेन प्रायोरिटी 100% सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, कोविड पे कंट्रोल पाना। 2000 से 1.25 लाख का केसेस जो हुआ है उसके ऊपर हमको कंट्रोल पाना है सर। हम निरंतर बेड ऐड कर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ के इलाके में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मानव उनमें हम बेड ऐड कर रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन फिलहाल जिस पे बात हो रही है लोगों की जाने जा रही है। हाँ नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, कोविड से भी लोगों की जाने जा रही है, लेकिन कोविड में तो कम से अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी करके लोगों के घर में घुस के लोगों को मार रहे हैं ना, उसको नहीं बचा सकते। कोविड के लिए हॉस्पिटल है, इसके लिए कोई नहीं है। मानव जी, मानव आपका आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। संबित, बीजेपी टीम को एक मिनट, बस हो गया, आप संबित से बात, संबित अपनी बात रखिए। मानव हो गया, मानव रुक जाइए, मानव रुक जाइए ना, जहां पर रोकना चाहिए वहां रोकते नहीं है। हम डिबेट में हिंसा ना करें, धन्यवाद। देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और मैं एक अपील, अच्छा मानव, मानव उनका जवाब सुन लीजिए जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिबेट में शाब्दिक हिंसा ना करें सर, आवाज पहुंचती है, डिबेट में शाब्दिक हिंसा ना हो, आराम से आवाज नहीं पहुंचती सर। अमित जी, मैं चाहता हूं कि डिबेट में शाब्दिक हिंसा ना हो। और अमित जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, मैं एक बार सुन लीजिए अमित जी, महादेव एक विषय कभी नहीं सहते हैं और वो है अहंकार। देखिए आपको मैंडेट मिला है, 303 सीट हमें भी मिला है, 2 बार से हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जिनको आपने कहा दाढ़ी वाले बाबा, और बड़े डिस्डेन के साथ और बड़े ही आप जीत गए हैं, जोश बहुत हाई है, आपके जो कार्यकर्ता इसी तरह से जोश में बाहर निकल रहे हैं, खेला हो गया ना मानव, मानव खेला यहाँ पर खेला नहीं चल रहा है, मुकाबला हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये बातचीत का मुकाबला है, हाथों का मुकाबला नहीं है। मानव आप जीत गए हैं, आपका जोश हाई है, पता है मानव की आवाज को कम करिए, मानव आपको जवाब मिलेगा, जवाब सुन लीजिए, मानव झूठ बोल रहे हैं सर, हमेशा झूठ बोलते हैं, आप इनकी आवाज को कम करिए, ठीक है। अब संबित जी को सुन लीजिए, अमित जी इस प्रकार से चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाता। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए अमित जी, समझ गए, मैं अपने आराम से बात रख रहा हूं, और मैं किसी प्रकार से इतने हमारे कार्यकर्ताओं की मौत होने के बावजूद भी मैं संयम के साथ बात रखने की चेष्टा कर रहा हूं, और कोई अहंकार नहीं, दुख जरूर है। और मैं बता दूं, आज जो बेगम का बंगाल है ना, बेगम की बंगाल में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, धू धू करके बेगम का बंगाल जल रहा है। और आपने सुना होगा 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, किस प्रकार से लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसको अंग्रेजी में वीक ऑफ लॉन्ग नाइट्स भी कहते हैं, वो जिन्ना के कॉल के ऊपर हुआ था। आज हम देख रहे हैं बेगम की कॉल के ऊपर किस प्रकार से बंगाल धू धू करके जल रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, आसाम के धुबरी में कई हजार हिंदुओं को जाके आसाम में शरण लेना पड़ा है। ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार का प्रशासन। यहाँ कोविड के बारे में कहा गया, ठीक बात है, कोविड की लड़ाई होनी चाहिए, मगर कोविड कोई एक्सक्यूज नहीं है लोगों को मारने का, कोविड कोई एक्सक्यूज नहीं है महिलाओं के साथ गैंगरेप करने का, कोविड कोई एक्सक्यूज नहीं है महिलाओं का बाल पकड़ करके घर से खींच करके बाहर लाने का, इतना आप सुन लीजिए। और अमित जी मैं कहना चाहूंगा, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, अगर यही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में हमारे जीतने के बाद 325 सीट लाने के बाद होती, एक पहलू खान एक अखलाक उनकी 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 मृत्यु तो किसी और कारण से हुई थी, हमारे सरकार के समय भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद पूरे विश्व में हमें बदनाम करने की, मोदी जी को फासिस्ट हिटलर सब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला, जहां बात हो रही है, जो मुकाबला शुरू हुआ है बंगाल में, बीजेपी मुकाबला हार चुकी है, लेकिन यहां पर अब मुकाबला शुरू हुआ है कि जो सत्ता में आए हैं वो कैसे अपने विरोधियों के साथ मुकाबला करके उनको मौत के घाट उतार दें। यही वजह है कि करीब 14 लोगों की जान जा चुकी है अब तक
और पता नहीं ना जाने कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए और कितने लोगों पर जुल्म किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। संबित, सवाल आपसे होगा, 77 लोग आपके जीते हैं आपकी पार्टी ने, आपके पास केंद्र है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप हर एक कार्यकर्ता के पास जाएं, लेकिन 77 आपके जो विधायक हैं कहां पर हैं वो लोग, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कहां है शुभेंदु अधिकारी? नहीं, आज तो वो ओथ लेने आए थे, मगर वो लगातार नंदीग्राम में मौजूद हैं और नंदीग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो भी किया जा सकता है वो सब कर रहे हैं। मगर देखिए, ये विषय किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति तो रहेगा ही, संगठन के नाते समर्थन करने के लिए व्यक्ति हमारे कार्यकर्ता के साथ खड़ा होगा। जिस वक्त लोगों को जरूरत है उस वक्त नहीं रहेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे जब आप फिर से जाएंगे उनके पास चुनाव के दौरान? अमित जी, मैंने क्या मरने के लिए आएंगे आपके पास? अमित जी, आपने पूरा सुना नहीं, मैंने कहा व्यक्ति तो रहेगा ही, समर्थन भी करेगा, घर को जलने से बचाना भी है और जो हताहत हुए हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है, किंतु ये विषय प्रशासन का है। अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान में हर कोई अपने अपने संगठन के लोगों को बचाओ और प्रशासन से सवाल न पूछा जाए, आप सोचिए जरा क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम इसी प्रकार का मेहम शुरू कर दें और हम कहें समाजवादी पार्टी अपने लोगों को बचाए, कांग्रेस अपने लोगों को बचाए, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बचाएगी, तो क्या ये उत्तर होगा? क्या आज हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को बचाएंगे और प्रशासन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर करके हमें मारेगी? ये जो हो रहा है बंगाल में, ये दीदी द्वारा स्टेट में, दीदी भी नहीं कहूंगा आज से, ये दीदी के लक्षण नहीं है। दीदी एक बहुत ही सभ्य शब्द होता है हिंदू समाज में और दीदी एक बड़ी बहन का रूप होता है, और ममता बनर्जी में मुझे ना ही ममता दिखता है और ना ही बड़ी बहन का रूप दिखता है। मुझे तो खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मिस बनर्जी के आज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण 14 लोगों की हत्या की गई है। और आप याद करिए, एक पहलू, एक अखलाक खान के कारण किस प्रकार से अमेरिका और ओबामा थे उस समय, ओबामा और यूके, वहां के राष्ट्रपति बोल देते थे। इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये सारे इतने जुड़े और कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान तक में धरना प्रदर्शन करते थे। आज देखिए, हिंदुस्तान में 14 हिंदुओं की मौत हो गई और ये सब एक दूसरे के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप करने में लगे। सवाल पूछा जा रहा है, आपके नेता क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जाके बचा देते? वाह, तो बंगाल में चुना क्यों गया सरकार को फिर? अगर सरकार का काम नहीं है बचाना तो आपका, अच्छा आपका यह कहना है कि प्रशासन का काम है, प्रशासन तो अब ममता बनर्जी के हाथ में है, बिल्कुल मानव अब आपके हाथ में है, लेकिन एक बात बताइए कि जब दीदी बोल रही हैं, ममता दीदी, कि हम कार्रवाई करेंगे, किस पर करेंगे? अपने लोगों पे काम करेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो बीजेपी झूठ बोल रही है कि आपके लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या लेफ्ट वाले भी झूठ बोल रहे हैं? गणशक्ति तो पढ़ते होंगे ना, बांग्ला तो पढ़ना आता होगा आपको। गणशक्ति में क्या था हेडलाइन? जो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ हिंसा हो रही है, ये गणशक्ति ने बोला है, लेफ्ट का है ये न्यूज़पेपर, लेफ्ट वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहे हैं, जितिन प्रसाद ने भी, उन्होंने ट्वीट किया है, आप पर आरोप लगाया है। बीजेपी झूठ बोल सकती है, लेकिन जिनके पास आपकी नेतृत्व, मतलब ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर मदद मांगी हो सोनिया गांधी जी से, वो लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले, टीएमसी वाले ये आतंक कर रहे हैं, लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि आतंक कर रहे हैं, तो आप लोग पकड़ेंगे किसको? आप ही के लोग तो कर रहे हैं सब। सर, थोड़ा आपका प्रश्न बहुत लंबा है, थोड़ा मुझे भी समय दीजिएगा। आप बहुत लंबा लेंगे, इसलिए बोल दिया, आप बोलिए आप। तो सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि कम से कम ये तो बात दिखा जा रहा है कि कांग्रेस भी हमको, हमसे प्रश्न पूछ रही है, बीजेपी भी हमसे प्रश्न पूछ रही है। अरे आरोप लगा रही है बीजेपी, तो आ नहीं पा रही है। प्रॉब्लम बीजेपी को क्या है कि सर, जब दिल्ली में जब रायट होते हैं तो मौनी बाबा रहते हैं, यूपी में रायट होते हैं तो मौनी बाबा रहते हैं, बंगाल में रायट नहीं होगा, बंगाल में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि इनकी मंशा है कि बंगाल में कम्युनल वायलेंस हो। और ये भ्रमित हो गए कि हो क्यों नहीं रहा है, 4 मुसलमानों को मारा शीतलकुची में, चलो वो भी प्रांत के बच्चे थे, ये वो मुसलमान और हिंदू की भाषा बोलेंगे। इनको प्रॉब्लम यह है सर, हमारे लिए 11 करोड़ जनता है, ममता ने ममत्व का निर्वाह किया है, ये नाम से नहीं अपने कर्मों से दिखती है। बेटियों को स्वावलंबी बनाना, बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल देना, गृहणियों के लिए वृद्धा पेंशन देना, गृहणियों के लिए पैसे देना, स्वास्थ्य साथी बनाना, ये सारे काम हमने किए तो हमको वोट मिला। अब प्रॉब्लम क्या है, इनके पास पोलराइजेशन की शक्ति है सर, वो जो शक्ति है इतनी खतरनाक शक्ति है, क्योंकि वो उनका ब्रह्मास्त्र है और वो अस्त्र खत्म हो गया, क्योंकि बंगाल में जो कवच है वो है स्नेह का, बंगाल में कवच है प्रेम का, बंगाल में कवच है विश्वास का। मानव, क्या प्रेम है, इतना प्रेम है कि 14 लोगों की जान चली गई और जो विरोधी पार्टियां थी उनके घरों में घुस के आप लोगों ने हमला चलाया, लोगों को मारा पीटा, क्या प्रेम है? ये गोली मारो सरकार है ना सर, ये जो बीजेपी की गोली मारो सरकार है, इनके कपिल मिश्रा कुछ बोलते हैं,
कहीं कोई कुछ बोल देता है, योगी जी ठोकने वाली बात करते हैं, मुख्यमंत्री है। चलिए चलिए, जवाब तो देना नहीं है मानव, मानव आपको जवाब तो देना नहीं है ना, घुमा फिरा के आप जिस पे जा रहे हो हम उसी के पास जाते हैं। संबित अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधा घुमा फिरा के आपके पास ही आए हैं। यही इंजीनियरिटी है, और यही सीधा जवाब नहीं दोगे मानव आप। ये एक बार शांत हो जाएं तो मैं शांति से जवाब दे। अमित भाई मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, मानव जी समझदार व्यक्ति है, मगर इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने कहा, आपने जब पूछा कि 14 लोगों की हत्या हुई क्या हुई, पहला इनका सेंटेंस था आपने 4 मुसलमानों को सीतलकुची में मार दिया, तो क्या छोड़ दिया जाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, ये जो बदले की राजनीति आप कर रहे हैं, 4 मुसलमानों को मार दिया, 4 मुसलमानों को किसने? देखिए अमित जी, मैं बीच में नहीं, जब बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता ना, मानव जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता ना, अरे इतना जोश रख लो मेरे भाई, भाई इतना जोश, अच्छी बात है, जीत मिली है आपको, जीत मिली है, 213 सीटें आई हैं, ममता दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन दूसरों को सुनना भी सीखो, दूसरों को सुनना भी सीख लो। मानव मानव वहाँ पर देखो, मानव शाली को भी बात करनी है, आप बोलते रहेंगे तो नहीं होगा ना, एक मिनट रुक जाओ मानव, सबको बोलने दो, मानव आप रुक जाइए, ये तो आपका ऑडियो डाउन कर देना पड़ेगा, शाली को भी बोलना है। संबित जी आप बोल लीजिए, उसके बाद शाह के पास भी ना, शाली के पास जाना है मुझे। संबित जी बोल लीजिए आप। अमित जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिए अगर टीवी डिबेट पे 4 लोगों के बीच में ये रवैया टीएमसी के कार्यकर्ताओं का है, तो आप सोचिए ये सड़क पर क्या करते होंगे, ये इनकी बस चले तो ये हमें यही लिंच कर दे। और मुझे तो दुख हो रहा है जो उत्तर इन्होंने दिया कि 4 मुसलमानों को आपने मारा था, हम छोड़ देंगे क्या, ये क्या उत्तर है, ये क्या यही आप करना चाहते हैं? और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, यही हो रहा है। सीतलकुची में जो सीआरपीएफ का विषय था, ममता बनर्जी ने क्या कहा था अपने भाषण में, कि अरे एक दिन ये सीआरपीएफ भी चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो भाई की होबे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और फिराद हकीम ने क्या कहा था, बॉबी हकीम ने कहा था, वो पूरे हिंदुस्तान ने सुना था, मैं उस शब्दों को दोहरा रहा हूं, माफी मांगते हुए दोहरा रहा हूं कि वो शब्द बहुत ही घिनौने थे। उन्होंने कहा ये बीजेपी के कार्यकर्ता और ये सीआरपीएफ वाले सुअर के बच्चे हैं, इलेक्शन खत्म हो जाने दो, इन सुअर के बच्चों को हम देख लेंगे। आप सोचो जरा, ये सारे पब्लिक डोमेन में बोला गया था, और आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं 4 मुसलमानों को सीआरपीएफ ने मारा था, हम छोड़ देंगे क्या? और इसमें योगी जी, कपिल मिश्रा, ये कहा, ये कंगना रनौत, कल इनके प्रवक्ता कह रहे थे कंगना रनौत के कारण वहां पे आग लगा है, कंगना रनौत के कारण आग लगा है, मतलब आप लोग बुद्धि विवेक आप घर छोड़ के आए हैं क्या? ठीक है संबित जी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन अभी हमें इस पर भी बात करनी है कि आखिरकार बीजेपी और टीएमसी भी तो चल रहा है, लेकिन आप यह मत भूलिए कि लेफ्ट भी वहां पर है और कांग्रेस भी है, जिनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके लोगों पर हमला हो रहा है। आखिरकार लेफ्ट के लोग क्यों चुप बैठे हैं, क्यों वो आगे आकर नहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के जो नेता है वो आगे आके कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या मजबूरी है, हम शाह अली से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मुकाबला, जहां बात हो रही है कि आखिरकार जो हिंसा हो रही है बंगाल में, ठीक रिजल्ट्स के आने के बाद उसके पीछे कौन है। आरोप टीएमसी की ओर लग रहे हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये उनके ऊपर जो आरोप है गलत है, बीजेपी गलत आरोप लगा रही है, लेकिन लेफ्ट भी तो आरोप लगा रही है, इसके अलावा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। अलीशा, बंगाल में आपके नेता मुखर होकर बोलते हैं कि टीएमसी कर रही है, लेकिन जैसे ही नेशनल लीडर्स आपकी तरह सामने आते हैं लोग, वो बिल्कुल कुछ कहने से डर जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया था इसके बारे में, चुप नहीं है बिल्कुल, मोहम्मद सलीम ने भी बोला इसके ऊपर। इसके अलावा मैं आपको कोट करता हूं, 19 जून 2020 में दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था, कोट कर रहा हूं मैं उनको, और यहाँ पे हमारे बीजेपी के साहब आए यहाँ पे सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा था बदला भी और बदलाव भी, और बदला क्या क्या था, अभी आपने साबित कर दिया ना, आपने अभी की बात होनी थी, आप चले गए 2020 में, आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए, 2 तारीख के बाद जो उसके बारे में बताओ, आप क्यों नहीं बता रहे हो 2 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में लेफ्ट चुप कहा है, कांग्रेस चुप कहा है, संयुक्ता मोर्चा कोई चुप नहीं है इसके बारे में। अब जो मीडिया सिलेक्टिव जिसको दिखाएगा वो ही बोल रहा है, जो नहीं दिखाएगा वो मतलब नहीं बोल रहा है, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। आप इस बात का जश्न मनाइए कि आपने बीजेपी को रोक लिया, आपके कार्यकर्ता मर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, आप बस देखते रहिए और यहां पर बैठ के ताली बजाते रहिए, क्योंकि आपके जो ग्राउंड में हो रहा है ना आपको पता नहीं है। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से वहां पर सब चल रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह से लेफ्ट के दौरान ये चलता रहा, कोई रोक नहीं लगी, ममता तीसरी बार आई है, कोई रोक नहीं लगने वाली है, सिर्फ दिखावा रहेगा?
मेरे से पूछ रहे, मैं बोलूं? नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्या प्रमाण की जरूरत होगी कि जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं उनकी चिंता ये है कि मैं संघी हूं या क्या हूं मैं, और अगर मेरे ऊपर संघी होने का ठप्पा लगाने से आपका जीवन सुखी होता है तो हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं तीसरी बार, और तीन बार की मुख्यमंत्री के राज में अगर ये मुश्किल हो रही है कि उनको ट्विटर के जरिए और बयान में ये कहना पड़ रहा है कि ये हिंसा भाजपा वाले भड़का रहे हैं या कोई और भड़का रहा है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग इस बात को इस तरह से देखें ना कि बंगाल का चेहरा इतना रक्तरंजित करके भी कैसे इतने आपने माना है कि खून तब भी बहा जब 34 साल यहां पर लेफ्ट ने राज किया। वक्त कम है, ठीक है हर्षवर्धन जी, बंगाल में हो रहा है, हम बिल्कुल बिल्कुल वक्त नहीं है हर्षवर्धन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, लेकिन दर्शकों आपने जो यहां पर बातें सुनी है, एक बात आप सुन लीजिए, ठीक है हर्षवर्धन जी, आप एक बात को समझ लीजिए, बंगाल में 34 साल लेफ्ट ने राज किया, खून खराबा हुआ, इसलिए वहां पर टीएमसी आई, लेकिन टीएमसी के आने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। 2 तारीख को जीत के बाद जिस तरह से यहां पर खून बहा है, आप ये मान के रखिए कि बंगाल में जब खून इस तरह से बहता है लोगों का जो हौसला होता है या कहें कि उनके जो संयम होता है वो जवाब देता है, और इसको आप जरूर देख पाएंगे लोगों के रोष में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मुकाबले में जुड़े और आपने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सबसे जरूरी अब यही है कि जो बेगुनाह है उनको कौन बचाएगा। हमारी कोशिश थी कि हम ये बात उन लोगों के सामने रखें जो ये रोक सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मुकाबला, और मुकाबले में आज हमने बात की टीएमसी बीजेपी लेफ्ट के लोगों के साथ, और ये बात समझने की कोशिश की कि आखिर बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे कौन है। लेकिन जिम्मेदारी टीएमसी पर है, लेकिन टीएमसी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है और सिर्फ आरोप लगा रही है दूसरे पार्टियों पर, लेकिन ऐसे में लोगों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।